जोधपुर के ओसियां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसने सभी को दहला दिया है। एक ही परिवार के चार सदस्यों की सामूहिक हत्याकांड में हत्या की गई है, जिनमें दो महिलाएं एक बच्ची भी शामिल है और एक पुरुष की हत्या हुई है। मृतकों में 6 महीने की मासूम बच्ची है जिसको भी इन बदमाशों ने नहीं बख्शा। सभी के शव एक झोपड़ी में जले हुए पाए गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पूर्व विधायक भैराराम सियोल पहुंचे हैं, रामनगर इलाका है और ये रामनगर गांव है जहां पर ये पूरी की पूरी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। सबसे बड़ा सवाल अभी भी लगातार बरकरार है, जिसे लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिरकार ये बदमाश कौन थे, कहां से आए थे और किस तरीके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। मैं पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है और परिवारजन से अभी हमने FIR प्राप्त कर लिया है और उसमें अभी अनुसंधान हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी ये सभ्य समाज में किस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया जाता है, ये तभी होता है जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरे तरीके से पंगु और विफल हो गई है और इनका दोषी कोई एक व्यक्ति है और अंतिम व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान के महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार मर्डर के बाद झोपड़ी में क्यों जलाया गया, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, किसने ये मर्डर किया है। ये बड़ी खबर और न्यूज 18 राजस्थान के सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे आखिरकार मकसद क्या रहा होगा। इस पूरे सामूहिक हत्याकांड के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर के लगातार अब जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। बहरहाल सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ फोनलाइन पर है। चंद्रशेखर, ये पूरी की पूरी वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई है, पूरा इलाका दहल गया है, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हत्याकांड हुआ है जोधपुर के त्योरी ओसियां तहसील के चेराई के रामनगर उपखंड में ये घटना घटी है। सबसे बड़ी बात करें तो एक परिवार था जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग, उसकी पत्नी बाहर सो रहे थे चारपाई पे और पुत्रवत और एक 6 माह की मासूम बच्ची जो है वो झोपड़ी के अंदर सो रहे थे और सबसे पहले बुजुर्गों का जो है गला रेता गया, उसके बाद जो है पुत्र वधु और मासूम को मार के सभी को जला दिया गया है। इस घटना में जो सूत्र बता रहे हैं इसमें कोई वारदात सामने नहीं आई है, इसके अलावा जो आपसी रंजिश का भी एंगल सामने नहीं आया है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी गुत्थी है कि आखिर हत्या के कारण क्या रहे, क्यों की गई हत्या। फिलहाल अगर बात करें तो वहां पे पूरा प्रशासनिक लवाजमा मौजूद है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, SP धर्मेंद्र सिंह यादव और इसके अलावा एक वहां पर जो है लगातार जाट समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर हत्या क्यों की गई है, तो फिलहाल जो है गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी है कि आखिर हत्या के क्या कारण है, किसने हत्या की है और मौके पर पुलिस लवाजमा मौजूद है जी। लेकिन रामनगर जैसे छोटे से गांव में इस तरह के जघन्य वारदात को अंजाम देना, क्या ये बताता है कि कानून का, पुलिस का कोई डर बदमाशों में नहीं है? कुछ देर पहले हमसे जो भैराराम सियोल है पूर्व विधायक वो बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये ओसियां में पहला मर्डर नहीं है, पूरी मर्डर की श्रृंखला है। क्योंकि जब उनको मारकर अंदर झोपड़ी में लेकर आग लगाई गई तो आग देखकर पड़ोसी आ गए और इंफॉर्मेशन करी गई कि इस तरीके से आग लगाई और आग बुझाने का काम किया। पुलिस मौके पर है, बट मेरा प्रश्न है IG जोधपुर से, ओसियां थाना जिसके अंदर ये थाना ये घटना हुई है, मुझे बिना इंफॉर्मेशन किए किसी एक व्यक्ति को प्लीज करने के लिए वो ओसियां थाने के थाना अधिकारी हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं?
ये किस तरीके का रवैया है। इससे एक महीने पहले श्याम पालीवाल की इसी तरीके से एक बर्बर हत्या कटर के ऊपर हुई थी, उसके मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए, SHO उसकी जांच कर रहा था, वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए, उससे पहले आपने SHO और पूरे जोधपुर जिले में एक SHO हटा और वो भी ओसिया का हटा, उसके बाद आप SHO नहीं लगा पाए। बाड़मेर में जोधपुर की पुलिस जाती है, एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर देती है, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कोई वो इनामी भी नहीं था कि जोधपुर पुलिस इस तरीके से जाए और बाड़मेर में एक एनकाउंटर करते इस तरह, और मेरे ऊपर हमला हुआ आप सबने देखा उसके वीडियो विजुअल्स आए, ऐसा तो था नहीं कि अदृश्य लोग थे, एक अरेस्ट आज तक IG उसमें नहीं करते, एक सिंगल अरेस्ट, उस फाइल को फिर सिरोही ट्रांसफर कर देते हैं, पता नहीं उसके अंदर क्या सुरखाब पेपर लग रहे हैं। असामाजिक तत्वों को आप अरेस्ट नहीं करना चाहते, विधायक के खिलाफ सरेआम जो होता है उसमें आप अरेस्ट नहीं करना चाहते, श्याम पालीवाल की बर्बर हत्या में आप मुख्य आरोपियों को अरेस्ट नहीं करके SHO को हटा देते हो, ट्रांसफर टू प्लीज वन पर्सन, आज की घटना हो गई। तो मुझे लगता है कि जब ऐसे इनएफिशिएंट पुलिस अधिकारी हो तो उनको तुरंत हटाया जाए, इस ऐसे अधिकारियों को PHQ में बिठाकर आप और कोई काम दीजिए और फील्ड पोस्टिंग से हटाइए। देखिए जब नए DGP ने पद ग्रहण किया तो निश्चित रूप से NCRB के जो आंकड़े आ रहे थे वो आंकड़े बोल रहे हैं, उनको झुटला नहीं सकते, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। उसके कुछ कारण ये है कि हाँ अपराध बढ़ा, अब अगर आप ये कहें कि नहीं बढ़ा क्योंकि सब FIR हम 0 FIR करके दर्ज कर रहे हैं वही एक मुख्य कारण है, तो वो नहीं हो सकता, वो भी एक कारण है ज्यादा अपराध के आंकड़ों का, लेकिन अपराध भी बढ़ा है इसको आप नकार नहीं सकते। इससे पहले 2 साल में बहुत जबरदस्त अपराध था और एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम हर मुद्दे पर विफल हो रहे थे, अब चाहे किसी भी साइबर क्राइम हो, चाहे रेप का हो, चाहे हीनियस क्राइम हो, संगठित अपराध हो, बुरी तरीके से हालत राजस्थान में खराब हो रही थी। एक डूबते हुए शिप के ऊपर नए DGP आए और बहुत अल्पकाल उनका काल था, मुझे लगा था कैसे करेंगे, उन्होंने एक मुहिम चलाई, ADG क्राइम लेकर आए, आपके क्या नाम है, दिनेश MM मेरे ख्याल से उनका नाम होगा, उनको लेकर आए जिनकी एक सुपर कॉप की एक छवि है सिंघम टाइप की, और उन्होंने एक अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई, डेट तय किए गए कि इतनी इतनी तारीख को इनको पकड़ेंगे, और मैं आपको बताती हूं कि अपराध पर एक अंकुश लगाने का काम हुआ, पूरे जिले में दिन और रात उन अपराधियों को दौड़ते हुए पुलिस पकड़ की गश्त लग रही थी, और ये हुआ कि नहीं हम क्राइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है, सरकार पूरे प्रयास कर रही है, DGP बहुत एफिशिएंट है वो भी प्रयास कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन पर्टिकुलर IG विफल हो रहे हैं, तो आई थिंक जोधपुर IG शुड बी सेट एंड ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हर पहलू के ऊपर पुलिस उसको बारीकी से देख रही है कि कोई रंजिश का मामला है और कोई मामला है किस तरीके से है, उस पर मैं अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी, पुलिस ने पूरा का पूरा ले लिया है, संज्ञान में है, SP कलेक्टर सब मौके पे हैं, तो पूरी हर एंगल से उसकी जांच हो रही है। ये तो मैं निश्चिंत हूँ, हमारे SP बहुत एफिशिएंट है, वो पहले हमारे यहाँ पर DCP भी रहे हैं कमिश्नरेट के अंदर और अब SP जोधपुर लगे, बहुत एफिशिएंट SP हैं वो कर लेंगे, पर आप मुझे बताइए जब आपका बॉस ऊपर आपके हाथ बांध रहा हो तो आप क्या करोगे, जिस थाने के अंदर आपके पहले प्रकरण हो गया उसी थाने में दूसरा प्रकरण हो गया, IG SHO हटा रहे हैं, अभी SP हटा रहे होते तो कोई बात होती, IG रिमूविंग SHO, IG अपनी मनमानी करेंगे क्या, भले IG जवाब दे मुझे, बाड़मेर एनकाउंटर के जोधपुर पुलिस जाके मां क्यों करती है, जवाब दे मुझे IG, जवाब दे कि मेरे प्रकरण के अंदर एक भी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, IG जवाब दे, मुझे लगता है कि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और सबसे एफिशिएंट ऑफिसर्स मुझे लगता है जोधपुर पुलिस में होंगे, तो मेरी फाइल सिरोही क्यों दी गई, और मैं तो कहूँ आप कहीं पे भी दे दीजिए, कहीं पे भी दे, तो मुझे नहीं पता किस तरीके के निर्देश हैं कि नहीं है क्या निर्देश है, बट IG हिमसेल्फ इज इनएफिशिएंट, IG की विफलता है, IG पुरजोर तरीके से किस सोच से काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अपने AC ऑफिस में बैठे रहना चाहते हैं, किसी डेलीगेशन से मिलते नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें फाइल चेंज 2 बार SP कर देते हैं तो SP के अलावा बाद में IG को करना है, डेलीगेशन से नहीं मिलते, अरे आप जनता के नौकर हो, क्या कर रहे हो, लाट साहब बन के आप बैठे हो AC ऑफिस के अंदर, ऑन करके मर्जी आएगी तो मिलेंगे, मर्जी आएगी नहीं मिलेंगे, ये तरीका थोड़ी होगा। मैं जोधपुर रवाना हो रही हूँ, बिल्कुल तो आप